हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैनी जी यूट्यूब चैनल। आज मैं नीमका थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट आया हुआ हूं और यहां से सत्यम कंप्यूटर्स नाम की एक शॉप है जिस पर लैपटॉप कंप्यूटर्स व सभी कंपनियों के कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहां पर अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर आज मैं एक लैपटॉप खरीदने के लिए आया हूं। देखते हैं दुकान के अंदर कौन सा लैपटॉप मुझे पसंद आता है जो मेरी रेंज के अंदर है और बेस्ट जो लैपटॉप होगा वो हम यहां से परचेज करेंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करके उसकी फीचर्स जो हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो चलते हैं शॉप के अंदर और हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें पसंद आता है, कौन सा लैपटॉप हमें अच्छा लगता है, वही हम खरीदेंगे। तो अब बहरहाल यहाँ पर सभी कंपनियों के लैपटॉप और प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जिनमें से बेस्ट जो हमारे बजट में होगा और उसकी फीचर्स जो होंगी, जो इसके हार्ड डिस्क रैम जो भी सॉफ्टवेयर है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, वो सारी डिपेंड करेगी, उसको हम देखेंगे और तुलना करेंगे। दो अन्य कंपनियों के हम प्रोडक्ट लेंगे जिनमें से जो हमें पसंद आएगा वो फाइनली डिसाइड करके हम यहाँ से परचेज करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रॉपरली मैं दुकान के अंदर आ चुका हूँ। ये जो शॉप है इसमें सभी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ से मैं लैपटॉप परचेज करने के लिए आया हूँ। तो हम लैपटॉप देखते हैं कौन सी कंपनी का, मैं बता दूं यहाँ पर सभी कंपनियों के जो लैपटॉप्स हैं हमारे सामने बॉक्स में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अवेलेबल है यहाँ पर। उनसे हम बात करते हैं सेल्समैन से और फिर उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें परचेज करना है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग टेबल के ऊपर उपलब्ध है हमारा प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें देखिए ये है एल्विटा का लैपटॉप है ये, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं इसकी जो हम बात करेंगे रैम की और इसकी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो कंपनियों के अलग अलग लैपटॉप्स आ चुके हैं जिनमें से एक तो एविटा का है और एक है डेल का। यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी रेंज के अंदर ही हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं, जिनमें से ये जो है एविटा का ये जो है 24,000 का पड़ेगा और इसकी बात करें तो 30,000 मतलब 30,000 का और ये 24,000 का। अब जो मेरी प्राइस जो मेरी बजट है उसके अकॉर्डिंग मैं फिलहाल ये यहाँ पर पसंद कर रहा हूँ। तो एक बार इसको मैं यूज करने के लिए कुछ दिन के लिए ये प्रोडक्ट मैं यहाँ से परचेज करने वाला हूँ। तो इसको अंदर से खोल के इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो है पूरी तरीके से पैक है और अंदर से खोलेंगे इसको देखेंगे किस तरीके से क्या लैपटॉप का किस तरीके से इसका मॉडल है और इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, इसको ऑन करके हम देखते हैं। अनबॉक्सिंग किस तरीके से, वाओ बहुत ही शानदार तरीके से ये देखिए पैक किया हुआ है अंदर से। किसी भी तरीके से कहीं भी ये अगर एक्सपोर्ट से आता है तो कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। अंदर से बहुत अच्छे तरीके से इसको सुरक्षित तरीके से पैक किया गया है। ये इसका बैग है, कैरी बैग आप देख सकते हैं इस लैपटॉप का। और इसके बाद में हम इसको निकाल के देखते हैं अंदर और क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स में। एक के इसके अंदर हम देखते हैं शायद ये बैटरी हो सकती है, तो इसका ये अडेप्टर है, चार्जर हमें मिल रहा है इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये चार्जर केबल है, इसकी केबिन जो है और ये इससे कनेक्ट हो जाती है, आप प्रॉपरली अच्छे से जानते हैं। और अब हम मेन जो प्रोडक्ट हमारा है ये आप देख सकते हैं, वाओ कितना शानदार लुक है इसका आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है ये और इसको हम इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं और प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं किस तरीके से। ये देखिए एक तरीके से टेबलेट की तरीके से ये यहाँ पर हमें मिलता है। अच्छा इसको यहाँ से खोलना पड़ रहा है और फिर ऊपर से निकल जाएगा सीधा, ये देख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ जो भी इसके बॉक्स हैं
और फिर इसको देखते हैं। ये देखिए लैपटॉप हमारे सामने है और किस तरीके से हमारा ये लैपटॉप ओपन करते हैं हम, ये देखिए। अब इसकी जो है आप डिजाइन देख सकते हैं, लुक कितना फैंटास्टिक लुक है यार, वाओ, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर शानदार और लाइट वेट के अंदर ये हमें मिलता है। अब सर, जैसे सर ये प्रोडक्ट हमारे सामने है अविटा का जो लैपटॉप है, इसके बारे में आप व्यूवर्स को जानकारी दीजिए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें मिलने वाले हैं, रैम कितनी रहेगी इसकी और हार्ड डिस्क कितनी रहेगी, प्रोसेसर कौन सा है इसके बारे में, या ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है, तो ये सारी जानकारी आप दीजिए व्यूवर्स। देखिए ये जो ब्रांड है ये सोनी का ब्रांड है। हाँ जी, और सोनी वैसे कंपनी बंद हो गई लेकिन सोनी ने इसी नाम से दूसरा अपना ब्रांड निकाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, 14.0 इसकी साइज है। हाँ, और आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट वेट है, स्लिम है, अकॉर्डिंग टू एचपी डेल वगैरह। बिल्कुल, अपने पास अवेलेबल सभी है, जैसे एचपी है, डेल है, लेनो है, आसूस है और एसर है, और ये अभी नया ब्रांड आया है अविटा, तो अकॉर्डिंग टू सभी मॉडल के मतलब बहुत ज्यादा स्लिम है। ठीक है, और इसमें AMD A9 प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 256GB SSD हार्ड डिस्क है, SSD हार्ड डिस्क मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू अदर हार्ड डिस्क के इसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी हार्ड डिस्क स्पीड आती है और लॉन्ग लाइफ इसमें, एक इसका फायदा ये है डाटा क्रेश नहीं होता इसका कभी भी। जी, जो SSD में जो डाटा होता है, SSD का ये बेनिफिट तो है, हम जानते हैं बिल्कुल सही, SSD हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है उसका डाटा कभी क्रेश नहीं होता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम और लाइट वेट लैपटॉप है। एक बार हम इसको ओपन करके ऑन करके दिखा देते हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, वाओ कितना ब्यूटीफुल, मुझे तो अच्छा लग रहा है रियली ये जो है ना प्रोडक्ट। और वैसे भी टैबलेट की तरह से मिनी है, कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी कैरी करने में भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाने ले जाने में भी, कहीं भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, कहीं भी घूमने के लिए गए हैं तो साथ ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा सर आप एक बार इसको अपन ओपन करके देख लेते हैं, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड देख लेते हैं और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी वो हम देख लेंगे। ये IPS पैनल में है, हाँ फुल HD है जी, हम इसको करते हैं ऑन, विंडो एक्टिवेट करना पड़ता है, विंडो आती है अभी, जैसे हमने ओपन ही किया है तो पहले इसकी विंडो को जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद में ही ये ओपन हो पाएगी, आप समझ पा रहे, इसलिए अभी शायद ये ऑन तो नहीं हो पाएगा है ना। तो फिलहाल ऐसा प्रोडक्ट है और मुझे तो ये पसंद आया है, लेकिन बहरहाल हमारे पास में एक डेल का भी प्रोडक्ट उपलब्ध है तो हम इसको भी खोल के देखना चाहेंगे और फिर इन दोनों की तुलना करता हूँ, मेरे को जो पसंद आएगा ना वो मैं लेके जाने वाला हूँ। दोस्तों पहले मैंने ये देख लिया है और आपको भी दिखा दिया है, ठीक है। अब इसकी रेंज जो रहेगी लास्ट में हम डिसाइड कर लेंगे, ओनर साहब हमारे पास में बैठे हैं सत्यम कंप्यूटर नीमका थाना के, और इसी में ये प्रोडक्ट मैं खरीदने वाला हूँ। तो डेल का भी हमारे सामने प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है ये रहने वाली है 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं आप जानते हैं, तो मॉडल के हिसाब से इसकी रेंज घटती या बढ़ती रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो मॉडल हमारे पास में है ये 30,000 रुपए का बताया जा रहा है। अब इसमें 1,000-2,000 रुपए का हो सकता है हम बातचीत करेंगे तो इसमें डिस्काउंट हमें मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहेंगे ऑनलाइन तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीमका थाना के आसपास के गांव के आप हैं तो यहां पर विजिट कर सकते हैं सत्यम कंप्यूटर्स नीमका थाना पे। तो मैं एक बार इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या इसके अंदर, कैसा इसका डिस्प्ले है और किस तरीके से इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें भी हम देख लेते हैं एक बार। नया ब्रांड न्यू यहाँ पर ये प्रोडक्ट अनबॉक्स होते हुए आपके सामने डेल का एक अच्छा सा नया लैपटॉप आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अलग से आपको एडेप्टर मिल जाता है और ये देखिए ये इसका एडेप्टर है और इसकी जो अंदर से पैकिंग जो है बहुत ही अच्छी है, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं ये इसका एडेप्टर हमारे पास में है। और ये लैपटॉप वाओ, इसकी डिस्प्ले जो है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, उसकी तुलना में बड़ी है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो है कलर आप देखेंगे
तो ये सिल्वर कलर में अपने को मिल रहा है बिल्कुल, है ना। और इसके अंदर देखिए इसके पोर्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर हमें पोर्ट मिल जाते हैं सभी प्रकार के। हम इसको एक बार ओपन करके भी हम देख लेंगे, तो एक बार इसका मैं आपको कीबोर्ड और इसकी एलईडी या डिस्प्ले हम दिखा देते हैं किस तरीके से। वाओ, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल काम, कोई भी हो किसी भी तरीके का आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की भी बात करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, हमें देखने को मिल रहा है यहां पर फुल एचडी डिस्प्ले इसका है, 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सर इसके बारे में और अधिक जानकारी आप दे दीजिए, इसकी रैम क्या है और इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, प्रोसेसर कैसा है, आप बताइए व्यूवर्स को एक बार बता दीजिए इसके बारे में। ये देखिए डेल का प्रोडक्ट है और पेंटियम क्वाड कोर इसमें प्रोसेसर होता है। हाँ जी, और विंडो 10 ओरिजिनल होती है। हाँ, 4GB रैम है। हाँ, और 1TB 1000GB हार्ड डिस्क जी। MS Office ओरिजिनल होती है। हाँ, और 15.6 स्क्रीन है। हाँ, और अपनी फुल HD स्क्रीन जी। और इसका बजट है अपने पास 30,000 रुपए। इसके अलावा अपने पास Core i3 में भी मिल जाएगा। हाँ जी, HP हुआ, Dell हुआ, Lenovo है, और ना एसर है, तोशिबा है, सॉरी आसूस है, सभी कंपनियों के लैपटॉप अपने पास उपलब्ध है। एक्चुअली हाँ जी, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया है और मैं अवेटा की तुलना में मैं ये खरीदना पसंद करूंगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे ये पसंद आया है और मैं यहाँ से परचेज करने वाला हूँ। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो डेल का प्रोडक्ट है पहले से फेमस भी है और आपको भी पसंद आएगा। तो सर एक बार हम इसको ओपन करके देख सकते हैं, इसको विंडो एक्टिव है या फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा? विंडो अपने को एक्टिवेट करनी पड़ेगी जी। विंडो आती है इसमें। अच्छा जी, विंडो पहले इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको रजिस्टर करके फिर ओपन हो पाएगा। पहले इसका कुछ प्रोसेसिंग तो होती होगी? नहीं, विंडो एक्टिवेट करनी पड़ती है, ओरिजिनल विंडो को एक्टिवेट करना पड़ता है, इससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। इससे पहले कुछ नहीं है। अच्छा, ये बात है, तो इसकी हम देख सकते हैं आपके सामने। फिलहाल मैं इसकी विंडो एक्टिवेट करवाता हूँ और घर लेके जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसको यूज करके। मैं देखता हूँ जैसा फीडबैक रहेगा आपको बता दिया जाएगा आगे वीडियो में। तो जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो ये प्रोडक्ट फाइनली मैंने चूज कर लिया है, डेल का ये लैपटॉप, जिसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है पीछे, इसका मॉडल अभी था P75F913, ये इसका मॉडल रहेगा। और ये मॉडल मेरे को पसंद आया है एक्चुअली, और ये मैं परचेज करने वाला हूँ। इसको यूज करके बाद में इसका जो भी फीडबैक रहेगा, जो भी इसके वीकनेस होंगी, वीक पॉइंट होंगे, तो आपको बताए जाएंगे। और जो प्रॉफिट वाले जो अच्छे पॉइंट मुझे लगेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में हम मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।